मौर्य तीर कमान से निकल चुका है, स्वामी प्रसाद ने यह बात कही। बीजेपी ने वक्त रहते नहीं किया डैमेज कंट्रोल, सपा में शामिल होने पर दो दिन बाद फैसला लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, हालांकि अटकलें लगातार ये लगाई जा रही हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजनीति में लिया गया कोई फैसला जी, और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है, और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जी हिंदुस्तान पर, बड़ी खबर ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जो बीजेपी छोड़ चुके हैं, डैमेज कंट्रोल पर मनाने को लेकर ये बड़ा बयान दिया कि तीर दरअसल अब कमान से निकल चुका है, यानी कि वापसी की, घर वापसी की कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद इस वक्त नजर नहीं आ रही है। देखिए, लगातार एक के बाद एक खबर यही थी कि बीजेपी से इस वक्त आया राम गया राम वाली राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में तेज हो रही है, और लगातार एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं वो किसी और पार्टी के संपर्क में, जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को, स्वतंत्र देव सिंह को और साथ ही बंसल को भी। लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर यही कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया वापसी को लेकर, तब मौर्य कह रहे हैं कि तीर कमान से निकल चुका है।